सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं एम्पियर सर्क्यूटर लॉ की आज हम। तो एम्पियर सर्क्यूटर लॉ है क्या, वो कैसे काम में आता है और कैसे आप करंट्स का समेशन लेते हैं, वो सारा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो अभी हम फटाफट से देखते हैं कि कैसे हम एम्पियर सर्क्यूटर लॉ का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, जिसे आप बोलेंगे आपका मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा किसी डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेटू डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम बोलेंगे कि मान लेते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसे डैश डैश दिखाते हैं बेटा थोड़ी दूर तक ताकि वो इनफाइनाइट लगे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई के बराबर, ठीक है। और मान लेते हैं कि इससे आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस करनी है। अब ध्यान दो बेटू, सिंस कि ये इनफाइनाइट वायर है, पक्की बात है, बिल्कुल अच्छी बात सर, समझ में आया इनफाइनाइट वायर है, तो इसके लिए इस तरफ का भी एंड इस तरफ का भी एंड कोई है नहीं, तो यहां चाहे आर दूरी लू, यहां से चाहे आर डिस्टेंस लू, यहां से आर लू, वो सिमेट्रिकल मामला है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल टाइप हो गया। आपको पता है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती है इस तरह से, और करंट ऊपर माना है तो अंदर जाते हुए बाहर। तो यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो आपका एम्पियर का लूप होगा, तो लाइक दैट एक आर रेडियस का आपने एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लिया जो आपका एम्पियर लूप है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपको पता है इस तरह से है, बी इस तरह से जा रहा है, गॉट इट। तो आर लेंथ का एक लूप ड्रॉ कर लिया जिसे हम बोल सकते हैं एम्पियर लूप है, जो हमें एम्पियर सर्क्यूटर लॉ में काम आएगा बेटू। चलिए बहुत बढ़िया बात, अब देखो होगा क्या बेटा, इसके किसी यहां देखूंगा मैं तो टेंजेंशियल होगा बी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, किसी भी पॉइंट पे देखो, यहां देखोगे तो इधर की तरफ टेंजेंशियल, तो बी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल है। थोड़ा और समझाने के लिए आप इधर ध्यान दे, यह आपका मान लीजिए वायर था, अब इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लाइंस होगी, ठीक है, सर्कुलर लाइंस होगी। आप यहां से आर दूरी पे देखो तो सर्कल ऐसा है, तो ये आर, अब मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कल के या टेंजेंशियल मतलब इस तरह से होगा, इस यहां देखोगे तो इस तरह से होगा, यहां देखोगे तो इस तरह से होगा। यदि आपको इसको समझने में थोड़ी भी दिक्कत है तो ऑलरेडी मैंने जहां पे बेटा करंट कैरिंग वायर की वजह से डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से किया था एक जनरल लेंथ के वायर के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, वो आप देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छी फील आ जाएगी। तो हमें पता है कि हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है, बिल्कुल बढ़िया बात। तो आइए शुरू करते हैं, हम क्या बोलेंगे इसके लिए यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ, क्या बोलेंगे बिटू, सॉरी यूजिंग एम्पियर लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। बहुत अच्छी बात है सर, ध्यान से देखो बेटू, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे लूप पे बी और एल, जो आर और बी है, सिंस सर्कल इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल और हर पॉइंट पे आर और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि सर्कल की टेंजेंशियल होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंशियल, और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के साथ में 90 का एंगल बनाती है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, सिंस बी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल हैंस, hence B and R are perpendicular। तो B और R वेक्टर क्या होने वाले हैं आपके perpendicular, sorry B and R perpendicular होंगे, but यहां पे आप छोटा एलिमेंट लेंगे DL, क्योंकि आपको तो लाइन इंटीग्रल करना है इस लूप पे, तो DL एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो DL जो होगा, DL और B पैरेलल आ जाएंगे बेटू, किसी भी इंस्टेंट पे DL और B लेंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। DL क्या है, आपका करंट कैरिंग एलिमेंट, आपका छोटा एलिमेंट जिसपे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो जिसका फिर इंटीग्रल लेंगे आप, तो डीएल और बी भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज योर डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, सॉरी ये दोनों कैसे होंगे बेटू, पैरेलल, क्यों, ध्यान से देखो,
आपका बी हर जगह टेंजेंशियल है, आपने डीएल वेक्टर लूप पे कंसीडर किया, ध्यान से देखना, यहां एक लूप है उस पर एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया डीएल, तो उसकी भी वेक्टोरियल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही रहने वाली है। तो हर जगह डीएल, डीएल आपका जो छोटा वेक्टर है और लूप पे और बी हमेशा साथ साथ रहेंगे, हमेशा साथ साथ पैरेलल रहेंगे। चलो ये बातें समझ में आ गई हमें। पहली बात तो ये कि दोनों आपके बी और आर जो है या फिर आपकी लेंथ जो है परपेंडिकुलर और सेम तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा हर जगह। एक बात तो ये क्योंकि हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखोगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर्कुलर पे, तो ये तो इसलिए बताया और ये ध्यान रखने का हमारे कि कैसे बेटू बी और आर जो डीएल है वो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। गुड, डीएल क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस एम्पियर लूप, और उसी एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करके आपको पूरा मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात, तो यहां पे हम देखो क्या लिखेंगे। अच्छा, और एक और बात बोल सकते हैं हम, बी इज यूनिफॉर्म। हम मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, डायरेक्शन केवल चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ओवर द लूप। बस अब बस काम हो गया हमारा बेटा, तुरंत यहां से देखो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बी, पहले तो इसको लिख लेते हैं, मोड बी मोड डीएल कोस जीरो डिग्री, ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का कोस जीरो भी दोनों पैरेलल है इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, अब करंट हमें लिखना है, तो इस लूप से आप देखेंगे तो करंट तो आई के बराबर ही जा रहा है, तो पूरा का पूरा करंट आई आ जाएगा इससे। इसको बाहर ले लो बी को, तो बी इंटीग्रल डीएल कोस जीरो वन होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरी लेंथ, इस लूप की लेंथ, तो लूप की लेंथ क्या हो जाएगी, सिंस इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू लूप लेंथ। आपको सिंपल सा है बेटा, डीएल डीएल छोटे छोटे को जोड़ोगे तो पूरा लूप आ जाएगा, सो दिस विल बिकम बी मल्टीप्लाई बाई टू पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो देखो बी की वैल्यू क्या आ जाती है, बी की वैल्यू आपके पास आ गई म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो यही हमने इनफाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर के लिए याद करो जब मैंने जनरल डेरिवेशन करवाया था उससे भी यही वैल्यू आई थी, और आपको ये ध्यान भी रखना है। तो एक इनफाइनाइट वायर के लिए किसी आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अब ये तो बेटो आपको समझाने के लिए मैंने सारा बताया कि बी इज ऑलवेज टेंजेंशियल और बी और आर परपेंडिकुलर है, डीएल आप कोई भी छोटा वेक्टर लोगे वो भी टेंजेंशियल होगा, तो इसलिए डीएल और बी पैरेलल हो जाएंगे, मोड भी यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस सेम है। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेशन कर लिया, इस पे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने जनरल डेरिवेशन बताया था आपको, और वहां से आप रेफर करके इनको सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को भी समझना क्या है हमें कि बायोट सावर्ट लॉ देखा जाए बेटा, इस पोर्शन को आप रिमेम्बर रख पाओ छोटा सा, तो ये दो लाइन का काम होता है जैसे हमारा गॉस लॉ होता था। तो यहां पे इसी तरह से हम और डेरिवेशन सीखेंगे, सिलेंडर के लिए निकालेंगे, सोलेनोइड के लिए निकालेंगे, टोरॉइड के लिए निकालेंगे। आपको कैसा लगा ये पार्ट, अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।